पीएम मोदी किसी भी हाल में माल्या को माफ नहीं करेंगे। मोदी ने दी नीरव मोदी को खींचकर भारत लाने की चुनौती। पीएम मोदी खुद करेंगे भगोड़ों से एक एक पाई का हिसाब। पीएम मोदी की दो टूक, खुद चलकर आओ नहीं तो ले आएंगे। भारत की भगोड़ों के पास एक विकल्प है, वो खुद हार मानकर भारत आए या फिर मोदी सरकार उनको अपने दम पर लेकर आएगी। रास्ता वो कौन सा चुनते हैं उन्हें खुद तय करना है। पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है उससे भगोड़ों के घर राख खाना नहीं बना होगा। भारत के भगोड़ों के कारण पीएम मोदी की छवि धूमिल हुई, वो छवि तभी सुधरेगी जब ये सभी भारत की जमीन पर घुटनों पर खड़े होंगे। कौन कौन वो भगोड़ा है जो भारत छोड़ के विदेश चला गया है और क्यों ये मोदी के सम्मान की बात है, क्या है पूरी कहानी, हर एक एंगल से समझिए। लेकिन पहले सुनिए भगोड़ों पर पीएम मोदी की पहली बार इतनी सख्त टिप्पणी जिससे भगोड़ों की शामत आने वाली है। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। पहले वो नाम देखिए जिनके ऊपर भारत का कर्ज है, सात ऐसे भगोड़े जिनके ऊपर अब साढ़े साती सवार हो चुकी है, हर एक नाम कुछ कहता है। पहला भगोड़ा रवि शंकरन, ये नौसेना का पूर्व कमांडर है जो हथियार की तस्करी करता था। नौसेना वॉर रूम लीक मामले में जासूसी का आरोपी है। 2006 से लंदन में रह रहा है, हालांकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा भगोड़ा विजय माल्या, शराब कारोबारी विजय माल्या बैंकों का 9000 करोड़ रुपए कर्ज चुकाए बिना देश छोड़कर गायब हो गया। माल्या अभी विदेश में है, लेकिन वो एक दिन इंडिया मरे हुए गिद्ध की तरह जरूर आएगा। अगर बुद्धि हुई तो वो खुद चलकर आए, क्योंकि मोदी के सम्मान का सवाल है। तीसरा भगोड़ा ललित मोदी, उद्योगपति और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का संस्थापक, मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोपी है। 2010 से लंदन में रह रहा है। नीरव मोदी और मेहुल के ऊपर कुल 14000 करोड़ का बकाया है। चौथा भगोड़ा है टाइगर हनीफ, अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का सहयोगी है और गुजरात में 1993 में हुए विस्फोटों और कई आतंकवादी गतिविधियों का आरोपी है। 1996 से लंदन में रह रहा है, हालांकि बाद में इसने ब्रिटिश पासपोर्ट भी हासिल कर लिया। पिछले 3 सालों से उसके प्रत्यार्पण के कागजात ब्रिटेन के गृह सचिव के समक्ष लंबित है। कभी भी वो इंडिया आएगा, जब आएगा तो पाई पाई का हिसाब भी देगा। पांचवा भगोड़ा है सुधीर चौधरी, हथियार डीलर और शुद्ध भाषा में बड़ा दलाल, लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी का बड़ा दान दाता, सौदों के लिए रोल्स रॉयल्स और मिग जैसी रक्षा कंपनियों से कथित रूप से रिश्वत लेने का आरोपी है। 2006 से लंदन में रह रहा है, अब ब्रिटेन की नागरिकता भी हासिल है। छठवां भगोड़ा नदीम सैफी, बॉलीवुड के पूर्व संगीत निर्देशक और अब परफ्यूम कारोबारी, कैसेट कारोबारी गुलशन कुमार की हत्या में शामिल होने का आरोप है। 1997 से लंदन में रह रहा था, बाद में ब्रिटेन की नागरिकता भी हासिल की, फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में छिपा है। सातवां भगोड़ा संजीव चावला, सट्टेबाज चावला ने साल 2000 में मैच फिक्सिंग की थी। आरोप है कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हेंसी क्रोनियो से करोड़ों रुपए का लेन देन किया। ये मामला लंदन की एक अदालत में लंबित पड़ा है, लेकिन भगोड़ा ये भी है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 72 से ज्यादा नाम है जो किसी न किसी मामले में भारत के भगोड़ों की लिस्ट में शामिल हैं। 31 ऐसे भगोड़ों हैं जो भारत का पैसा खाकर विदेश भाग गए, जबकि बाकी के दूसरे मामले हैं। इधर मोदी सरकार में सिर्फ 5% ही भगोड़ों ने देश छोड़ा, बाकी किसी और सरकारों का मामला है। लेकिन अब सम्मान मोदी सरकार का है। मोदी ने साफ साफ और दो टुक में कह दिया है कि एक ही रास्ता है, खुद भारत आओ या फिर हम लेकर आएंगे। अब आपको समझाते हैं मोदी सरकार पिछले 7 सालों से कहां कहां मात खा रही है और क्यों बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। दरअसल हर क्षेत्र में अपने नियम कायदे होते हैं। भारत की पहले की सरकारों ने कभी ऐसे हालातों से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, विदेश संधि में कोई खास रुचि नहीं दिखाई, लेकिन मोदी सरकार अब इस पे जोर दे रही है। इंडोनेशिया जैसे देश तैयार हैं, बाकी कई देशों की लिस्ट भी तैयार होने वाली है, यानी अब इनको इंडिया आना होगा और यहाँ हिसाब
मोदी के साथ पूरे देश को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारती।